तुफेल की फैमिली भले ही रेसलमेनिया 40 बीते हुए थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन फाइनली WWE 2K24 में रेसलमेनिया XL या फिर आप रेसलमेनिया 40 बोलो, जो भी बोलो, इसका ऑफिशियल अरीना 2K लेते आए। और इस रेसलमेनिया XL का नाइट टाइम का तो अरीना है ही, साथ में 2K ने इसका डे टाइम का भी अरीना दे दिया। तो 2K ने एक तरह से साबित किया कि वो चाहे तो जो नए अरीनास WWE में आते या फिर WWE सुपरस्टार्स के गियर बदलते वो चाहे तो अपडेट कर सकते, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। पर फिलहाल वो जाने दीजिए, ये रेसलमेनिया XL का क्योंकि अपने पास अरीना आ चुका है, तो इसलिए रेसलमेनिया के नाइट वन का जो मेन इवेंट था 2-on-2 टैग टीम मैच, बिगेस्ट टैग टीम मैच ऑफ ऑल टाइम, कोडी और सेथ रॉलिंग्स वर्सेस रोमन रेंस और रॉक, यही मैच करेंगे हम लोग। और इस अरीना में इन चारों का थोड़ा थोड़ा एंट्रेंस भी देखेंगे ताकि अपने को अरीना भी देखने मिले। और मैंने भी अभी तक दोनों ही अरीना देखे नहीं है, डे टाइम नाइट टाइम कैसा दिख रहा है मुझे भी पता नहीं है, तो अभी मैं आप ही के साथ ये अरीना पहली बार देखने जा रहा हूँ। तो जल्दी जब तक मैं इस मैच के रूल सेट कर रहा हूँ, फिल आर्मी आप लोग भी एक काम को सेट कर लो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए, क्योंकि 500K सब्स के हम लोग बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। तो आ जाइए फिर देखते हैं कि रेसलमेनिया XL का अरीना आखिरकार दिख कैसे रहा है। अरे ये पोस्टर नहीं डाला है 2K ने, ओहो ये तो गलत कर दिया भाई, रेसलमेनिया XL का बैकग्राउंड भी होना चाहिए था, लेकिन चलो अरीना देखते हैं कैसा है। तो मॉडल्स तो बहुत अच्छा अरीना बनाते ही हैं, लेकिन 2K का जो ऑफिशियल अरीना का बात ही अंधेरा क्यों हो गया। अच्छा कोडी आ रहे हैं, म्यूजिक ऑफ है, ऑब्वियसली भाई म्यूजिक ऑफ है, कॉपीराइट थोड़ी लेना है। ये अरीना अगर देखा जाए तो टैग टीम मैच में भले ही रोमन और रॉक की किस्मत चमकी थी, लेकिन ये अरीना रोमन के लिए मनहूस और कोडी के लिए ये अरीना ज्यादा लकी साबित हुआ है, क्योंकि इसी अरीना की बात से तो कोडी की कहानी जो खत्म हुई है, बल्कि मैं बोलूं शुरू हुई है और अभी तक चली रही है। अब देखो रोमन कब रिटर्न आते हैं, कोडी का वो रिंग अटायर भी दे देना चाहिए 2K को, मॉडल्स ने तो बना दिया है वो वाला रिंग अटायर जो नाइट 2 में यूज किया था कोडी ने, लेकिन 2K का जैसा मैंने बोला कि वो लोग चाहे तो ऐसा कर सकते, लेकिन क्यों करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए भी कुछ बचा के रखना है ना, क्योंकि इस साल तो रेसलमेनिया XL का भी अरीना दे दिया और हर साल 2K रेसलमेनिया का पिछला वाला अरीना देते हैं, तो पता नहीं नेक्स्ट ईयर 2K अपने 2K25 में क्या करेंगे, कुछ बहुत ही अलग करना पड़ेगा, रियल टाइप का गेम और बनाना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट ईयर में तो अभी फिलहाल बहुत टाइम है, फिलहाल वो WWE सुपरस्टार आ रहे हैं जिन्होंने अपनी चैंपियनशिप गवा के, दोस्ती नहीं भाई, जिसको सब धोखेबाज बोलता है, शील्ड के धोखेबाज, एक बार किसी ने विश्वास किया, इस बार विश्वास को तोड़ा नहीं, सेट चालू रॉलिंस अभी गायब है, रिटर्न आ जाना चाहिए, सेट को भी जल्दी मिस कर रहे हैं भाई हम लोग। ऑडियंस का गाना सुन लो कम से कम, फुल एंट्रेंस देखने की जरूरत नहीं, मेन तो यहीं पर एंट्रेंस देखना है, रोमन और रॉक का एंट्रेंस देख लेते फटाफट, मैच स्टार्ट हो गया। देखो रियल लाइफ में तो रोमन और रॉक जीत गए थे, लेकिन गेम के अंदर दोनों जीत पाएंगे कोई नहीं। अरे ये क्या हो, अरे रे रे रे, ये दोनों ने टैग टीम एंट्रेंस कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, डे टाइम वाला जो अरीना है ना उसमें इन दोनों का एंट्रेंस देख लेंगे। अरे यार इन दोनों ने टैग टीम वो भी अच्छी वाली एंट्रेंस भी नहीं करी, बहुत ही फालतू वाली एंट्रेंस करी, लेकिन कोई नहीं चलो काम चला लो। जब नेक्स्ट वीडियो में डे टाइम वाला अरीना यूज करेंगे ना, तब फिर रोमन के एंट्रेंस में फिर से दिखा दूंगा उसमें, और इस बार रॉक के साथ टैग टीम में नहीं रखूंगा, वरना फिर से ऐसे ही आ जाएंगे। रॉक देखो कैसे कैसे इशारे कर रहे हैं। अजय रेसलमेनिया XL का बेल हिले जा रहा है, वो पूरा कंटिन्यूअसली वैसे ही होगा। नहीं नहीं नहीं, 2K ना कंजूसी कर देते कहीं कहीं, बेल रुक चुकी है, बस वो मैच स्टार्ट होते टाइम थोड़ा सा, चलो इतना भी काफी था। अरीना अच्छा है, 2K वाले रियल लाइफ वाला अरीना उतार देते हैं भाई, कुछ भी बोलो। अभी जब नेक्स्ट जेन का गेम आने लगेगा ना नेक्स्ट ईयर से या कुछ टाइम से, तब देखना अरीना और कितना ज्यादा भयंकर दिखेगा, रियल लाइफ में और गेम में फर्क ही नहीं पता चलेगा कुछ टाइम के बाद से। दो स्पीयर्स दिए थे रोमन को मैंने, दोनों स्पीयर रोमन ने चिपका दिए, सेट अंदर आ नहीं सकते, कोडी के पास रेजिलेंस मीटर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली दो स्पीयर से अभी कोडी का पिनफॉल थोड़ी होने वाला है। कोडी का ये लकी रेसलमेनिया अरीना है, भली नाइट वन में पिनफॉल हो गया था कोडी का, लेकिन उससे बड़ी जो जीत मिली है नाइट टू में, अभी तक वो जीत कंटिन्यू है, पता नहीं अब नेक्स्ट पिनफॉल कौन करेगा कोडी का, क्या लगता है कमेंट में रोमन मत बोलना, क्योंकि रोमन अभी आने में टाइम है, रोमन से पहले मुझे लगता है कि रॉक फिर दोबारा पिनफॉल नहीं कर ले, क्योंकि अभी लास्ट पिनफॉल रॉक ही ने किया था और पीपल चैंपियन रॉक बोल के भी गए कि मैं जब भी आऊंगा रिटर्न तुम्हारे ही पीछे आऊंगा। रॉक का फिनिशर छीन के अपना क्रॉस रोड चिपका दिया, कोडी चाहते ना तो सुपर फिनिशर लाकर रोमन और रॉक में से किसी एक को एलिमिनेट कर सकते थे। कोडी अब टैग देने का टाइम आ गया मुझे ऐसा लग रहा था। अरे रे रे रे, कोडी ने भी अपना 2 का 2 फिनिशर पीपल चैंपियन रॉक को चिपका दिया है, पिनफॉल ना 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 चांस ही नहीं, अभी 2 में तो नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अब कोडी या फिर रॉक इन दोनों को एक भी फिनिशर पड़ा तो दोनों की रेजिलेंस जाएगी। कोडी अगर तीसरा फिनिशर ला ही रहे थे तो सुपर फिनिशर ही देते ना,
मैं लिख के देता, अगर सुपर फिनिशर दे देते स्टार्टिंग में रॉक को, तो रॉक का पिनफॉल हो जाता और रोमन अकेले पड़ जाते। कोडी देखो अब दिमाग लगा रहे, अच्छा खासा अपना दो का दो फिनिशर दिया और जाके टैग दे दिया सेथ चालू रॉलिंस को। सेथ देखो जो भी मैच में आ रहा मैं वही बोलने ही जा रहा था, उसको फिनिशर पड़ रहा है। रॉक को टैग मिला, रॉक को दो फिनिशर लगा, अब सेथ को टैग मिला है, अब सेथ को दो फिनिशर लगेगा। इस मैच की कहानी कुछ ऐसी ही चल रही है। रॉक इस मैच में भी रेफरी के साथ कुछ गेमबाजी करोगे क्या? रियल लाइफ में तो धमकी दे दी थी रॉक ने कि अगर भाई कुछ भी मेरे खिलाफ करा तो नौकरी जाएगी। अब रेजिलेंस तो जानी है और रोमन बचाने भी नहीं आ सकते। टूके ने ये वाला रूल बहुत अच्छा रखा है, इस वजह से जरूरी नहीं है कि टैग टीम मैच में नॉकआउट ऑन रखो। जैसे कि इस मैच में नॉकआउट ऑन नहीं है, सिर्फ पिनफॉल या सबमिशन ही हो सकता है। सेथ टैग देने का टाइम मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ अच्छा कर रहे हो। और इधर से रोमन को भी टैग मिल गया है। कोडी संभल के ऑलरेडी दो दो स्पीयर लग चुके हैं, जहां एक और स्पीयर लगा कोडी को तो रेजिलेंस जाएगी, अभी तो रेजिलेंस है और रोमन ने फिनिशर छीन लिया। भाई कम नहीं, रोमन की हेल्थ अभी तो फुल है फिलहाल, पर क्योंकि ये टैग टीम मैच है तो कभी भी गेम हो सकता है आपके साथ। कोडी ये वाला फिनिशर बचाना होगा। पूरे मैच में कोडी ने अभी तक एक भी स्पीयर नहीं बचाया, तीसरा स्पीयर। इससे अच्छा तो कोडी सुपर फिनिशर ही खा लेते, लेकिन कोडी की किस्मत अच्छी है, रेजिलेंस जाने से बच गई क्योंकि सेथ एक बार आ सकते थे बचाने की। चलो सेथ का काम हो गया है, अब सेथ दो, रोमन सेथ पे फिर ध्यान दे रहे हो, ये मैच हारोगे हैं। इसी वजह से रोमन अपनी चैंपियनशिप हारे हैं, ना अंडरटेकर की वजह से, ना जॉन सीना की वजह से, ना रॉक बचाने जो आए उनकी गड़बड़ी, ना 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 कुछ नहीं, रोमन मेन हारे सेथ चालू रॉलिंस की वजह से। रोमन के हाथ में चेयर थी, वहीं से तो गेम हुआ है, वहीं से तो बाजी पलटी है। तो इस मैच में सेम गलती मत करना रोमन, सेथ के ऊपर ध्यान मत दो जब तक सेथ लीगल आदमी नहीं है। 10 काउंट का आराम से कोडी बाहर टाइम पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेथ को भी एक ही फिनिशर लगा ना, तो सेथ की भी अच्छी खासी हेल्थ है। कोडी को टेंशन लेने की जरूरत है और रॉक को, क्योंकि इन दोनों को ऑलरेडी सेथ को टैग मिल गया। यही तो मेन, देखो एक तो ये अरीना, ऊपर से सेथ चालू रॉलिंस रोमन के सामने, डबल डबल अनलकी है रोमन। मैं बोल रहा हूँ जाके टैग दे दो, रोमन के साथ गेम होने वाला है। बस सेथ के पास सिग्नेचर फिनिशर नहीं है, रोमन के पास आई थिंक सिग्नेचर आने वाला है। अभी तक रोमन सही जा रहे थे, जब जब रोमन अच्छा जाने लगते हैं और सेथ आ जाते हैं भाई, तो रोमन के साथ ज्यादातर गेम होता है। आज कुछ सेथ का ऐसा जादू चलेगा, सिग्नेचर आने ही वाला है सेथ के पास। सेथ डबल टीम अप के लिए लेके जा रहे हो रोमन, मैं तो बोलता हूँ कि कोडी को आने ही दो, अगर जीतना है तो डबल टीम अप नहीं किया चालू रॉलिंस से, देख रहे हो ना। कॉर्नर में अभी भी डबल टीम अप कर सकते हैं, लेकिन फिर डबल टीम अप नहीं कर रही है, अच्छा था। और अब स्टंट भी होने वाले, रोमन गए स्टंट हो गए, और इसी टाइम पे सेथ के पास सिग्नेचर फिनिशर दोनों है। ये ऐसी भाई चालू थोड़ी बोलता हूँ, देख रहे हो ना चालू पंती, स्टंट करके फिनिशर दिया ताकि रिवर्स ही नहीं कर पाए। रेजिलेंस तो नहीं जाएगी, अभी हेड ऑरेंज ही है। फर्स्ट फिनिशर लगा, रोमन की हेल्थ इतू से कैसी हो गई, अभी तक तो फुल हेल्थ थी। मैंने बोला भाई एक तो ये अरीना, ऊपर से सेथ रोमन के सामने, डबल डबल अनलकी रोमन के साथ कंटिन्यूअसली मारे जा रहे। सेथ ने रोमन की हेल्थ सबसे कम कर दी है मैच में, अभी देखो फुल हेल्थ थी कुछ देर पहले तक। स्टंट होने के बाद रोमन ने रिवर्स नहीं किया, टैग देने जा रहे थे, लेकिन पता है ओके सुपरमैन पंच भी मिस हो चुका है और उल्टा सेथ की पेडिग्री लग गई। एक फिनिशर एक सिग्नेचर, रोमन का रेजिलेंस जा सकता है इस पॉइंट पे, रॉक भी बचाने आएंगे नहीं, रोमन की रेजिलेंस चली गई। सेथ चाहे तो एलिमिनेट कर सकते हैं रोमन को, डबल डबल अनलकी चीज काम कर रहा है रोमन के लिए। कोडी के पास फिनिशर नहीं है, हाँ कोडी के पास फिनिशर होता तो कोडी भी एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन कोडी के पास फिनिशर है नहीं। हाँ टैग टीम एलिमिनेशन मैच है तो दोनों को एलिमिनेट करना होगा, रोमन और रॉक दोनों को अगर जीतना है, और सेम गोज फॉर रोमन एंड रॉक। कोडी और सेथ दोनों को एलिमिनेट करोगे तभी जीतोगे मैच। लेकिन कुछ भी बोलो, सेथ की कोई तो मनुष्यत लगती है रोमन के ऊपर, सबसे ज्यादा हेल्थ थी पूरे मैच में और सबसे पहले रेजिलेंस चली गई रोमन की। लो भाई अब सेथ को टैग भी मिल गया और सेथ के पास एक फिनिशर भी है, कहीं रोमन के एलिमिनेशन का कारण सेथ ही ना बन जाए। फुल हेल्थ लेके घूम रहे थे, लगा दिया स्टॉम्प लग चुका है और डबल रिवर्सल आई थिंक के है, लेकिन कोई करता नहीं है इसमें। ये अरीना रोमन के लिए श्राप बन के आया, बहुत टाइम के बाद रोमन का पिनफॉल होने जा रहा है, वो भी इसी अरीना में। ट्राइबल चीफ का पिनफॉल कर लिया सेथ चालू रॉलिंस ने, और रॉक की तो ऑलरेडी हालत खराब है, दो फिनिशर लग ही चुका है, यानी कि कोडी और सेथ जीत रहे हैं। पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि रेसलमेनिया एक्सएल में रियल लाइफ में रॉक ने जितवाया था ये टैग टीम मैच कोडी का पिनफॉल करवा के, तो रॉक अभी बचे हुए हो सकता है, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सेथ की हेल्थ देखो फुल कर ली, रोमन को एलिमिनेट करके अपनी हेल्थ फुल कर ली। वाह सेथ वाह, कोई बॉडी पार्ट तक डैमेज नहीं है। रॉक के पास एक फिनिशर है, लेकिन दे पाई है
तो रियल लाइफ और गेम में बहुत डिफरेंस है। रियल लाइफ में ये टैग टीम मैच जीत गए थे, फिलहाल रॉक और रोमन हारने वाले ये टैग टीम मैच, और वो भी एलिमिनेशन से, दोनों एक एक करके एलिमिनेट हो रहे हैं। रॉक सर कभी टाटा कभी भी हो सकता है हेड लाल बॉडी येलो, और सेट को फिर टैग मिल गया। फुल हेल्थ रखे हुए सेट, आज कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं खेल रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं खेलना था। रॉक की रेजिलेंस है कि नहीं है? नहीं, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। ओके, नॉर्मली पिनफॉल शायद रॉक की रेजिलेंस जा चुकी है। रॉक का पिनफॉल करवा लिया सेट ने, दोनों एलिमिनेशन। सेट की पता है लास्ट टाइम में फुल हेल्थ हो गई थी रिकवर करने के बाद। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फिलहाल भी रेसलमेनिया एक्सेल का नाइट टाइम का तो अरीना हमने देख लिया है, लेकिन डे टाइम का अरीना भी बचा हुआ है, जो कि कल की वीडियो में जो भी मैच होगा उसमें डे टाइम का अरीना यूज कर लिया जाएगा। तो इसी बात पे ना मैं आज आप सभी लोगों को मौका देना चाहूंगा कि आप सभी लोग कमेंट करिए, और जिस भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे जिस मैच के लिए वही मैच पे करूंगा, वो चाहे वन ऑन वन मैच हो, हेल इन अ सेल मैच हो, लेकिन अरीना रेसलमेनिया एक्सेल का डे टाइम का रहेगा। तो फटाफट कमेंट करिए, और जिस भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे कल वो मैच किया जाएगा। टाटा।